हेलो साथियों, कैसे सभी? मैं आनंद जीए हाईटेक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज से मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा, क्लास नाइन्थ एंड एक्ट टू चित्रा प्रकाशन। मैथ के साथ में डील करूंगा एंड चैप्टर आज जो उठा रहा हूं ये आपका चैप्टर नंबर 13 पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन एंड काफ़ी डिमांड पे एक्सरसाइज नंबर 13.2 स्टार्ट कर रहा हूँ। उसमें क्या है, बेलन। बेलन के लिए आपको कुछ फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। ये जो बेलन होता है, बेलन के अंदर की क्या होती है, त्रिज्या। त्रिज्या पूरा क्या होता है, जैसे आपका ये बेलन है, ये इस टाइप से बेलन है, इसमें अंदर की जो ये पूरी दूरी होती है, ये लंबाई, ये जो होता है अंदर का, ये क्या कहलाती है आपकी, व्यास। इसका आधा क्या हुआ, आर, त्रिज्या। और ये क्या हुआ, इसकी ऊंचाई। तो इसी से फार्मूला हमारा बना 2πRh। 2πR आपने सुना होगा, 2πR जो होती है तुम्हारी क्या होती है, परिधि। परिधि को ऊंचाई से गुणा कर दो, तुम्हारा वक्र प्रश्न निकल आएगा। वक्र प्रश्न मतलब इसके क्या, बाहर का जो ये बाहर का भाग होता है, इस टाइप से ये बाहर का भाग तुम्हारा क्या होगा, वक्र प्रश्न होगा। ये हमें साकेट मिला है, इसमें क्या होता है, ये वक्र पृष्ठ क्या बोलते हैं, जो बाहर का भाग दिख रहा होगा आपको, ये जो बाहर का भाग है, ये क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ कहलाता है। अब वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या है, ये ऊंचाई और इसकी जो ये तुम्हारी परिधि दिख रही है, परिधि, ठीक। परिधि और ऊंचाई का गुणा कर देंगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ हो जाएगा, ठीक। उसमें आर तुमको दिया रहेगा और एच तुमको दिया रहेगा, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। और दूसरा क्या है, बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होगा, पूरा, इसको क्या करना है, पूरा कवर करना है। ये तुम्हारा क्षेत्रफल निकलेगा, बंद करना, और ये क्षेत्रफल निकलेगा नीचे का, और पूरा इसका क्या निकलेगा, वक्र पृष्ठ। कैसे लगेगा, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। अब आते सवाल पे। पहला सवाल क्या बोल रहा है, एक्टिव प्रकाशन की मैथ की बुक है, वहां से स्टार्ट कर रहा हूं। यहाँ पे पहला सवाल जो बोल रहा है, एक ठोस के बेलन तथा ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो त्रिज्या दी हमें कितनी दी है, आर बराबर 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई क्या दे रखी है हमें, 10 सेंटीमीटर। और अब पूछ क्या रहा है इसके आगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठ, ये तुमको ये फार्मूला यूज करना है। कैसे होगा देखो, अब यहां लगाएंगे, सवाल में पूछ क्या रहा है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन, सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, क्षेत्रफल। क्या लगेगा फॉर्मूला, क्या होता है, 2π, पाई की वैल्यू तुमको पता होनी चाहिए। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। आर तुमको दिया है, एच तुमको दिया है, यहाँ पे 2π, पाई की वैल्यू पता होगी, अभी बताएंगे हम, और आर तुमको दिया होगा। कैसे होगा देखो, पुट करते हैं वैल्यू, पहले फार्मूला लिख लो एक बार, फार्मूला वैल्यू पुट करते हैं, क्या होगा, पाई दो तुमको लिख लिया, और पाई की वैल्यू कितनी होती तुम्हारी, 22/7। यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पाई इज इक्वल टू 22/7, ठीक। उसके बाद में आर कितना दिया तुमने, 4 सेंटीमीटर, 4 रख दिया। एच कितना पता है, 10 सेंटीमीटर, 10 रख दिया। उसके बाद में 2 का लिया, और पाई 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है, 4 का स्क्वायर, ठीक, इतना हो गया, वैल्यू पुट हो गई। अब क्या है, युद्ध कराएंगे, कैसे होगा, गुणा करते हैं, 4 2 6 8, 8 80, 80 × 22/7, थोड़ा थोड़ा तोड़ेंगे, यहां पे क्या होगा, इसका स्क्वायर करना होगा, एक बार कर लेते हैं, 2 × 22/7 कितना होगा इसका, 4 का स्क्वायर, 4 × 4 = 16, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये 22/7, तो 22/7 दोनों जगह मिलना है, उठा के बाहर फेंक दो, 22/7 कॉमन ले लिया, क्या बचा, 80 प्लस क्या होगा, 2 × 16 क्या होगा, 16 × 2 = 32। अब इसको जोड़ दो, 22/7 ये कितना होगा, 0 और 2 2, यहाँ पे कितना हुआ, 8,
और तीन कितना हो गया, आठ तीन, आठ तीन ग्यारह। अब यहां से कट करते हैं, सात एकम सात और कितना बचा, चार, सात छंग बयालीस, गुणा कर दो, बाईस गुणे सोलह। अब क्या हो, सोलह दूनी बत्तीस, बत्तीस का दो हासिल लगा तीन, सोलह दूनी बत्तीस, बत्तीस तीन कितना हो गया पैंतीस। इट्स आंसर कंप्लीट एंड क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहा है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर बराबर कितना बोल रहा है 12 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद में क्या बोल रहा है, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्त बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्या होगा, एच बराबर कितना दिया 12, एच बराबर कितना दिया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्या है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र ज्ञात कीजिए, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, भाग बराबर है, ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। अब क्या करेंगे, यहां पे लिखो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ठीय क्षेत्रफल, यहां पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। अब क्या है, यहां पे टू टू लिख लो, पाई की वैल्यू 22 बटे 7, आर कितना दिया है 12 और एच कितना दिया है 10 इंटू। अब क्या करेंगे, 22 2 और 22 बटे 7, आर, आर का स्क्वायर कितना दिया है 12 का स्क्वायर, ठीक। अब कैसे करेंगे, देखो यहां पे एक बार और सॉल्व करते हैं इसको, 22 बटे 7 12 गुणे 10 प्लस 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे 12 गुणे 12, ठीक। अब यहां पे देखो ये 22, ये तुम्हारा 2 यहां पे मिलना है, यहां भी है 22 बटे 7, यहां भी है, यहां भी है 12, यहां भी है, यहां भी है। क्या करो, इसको साइड कर लो, खींच लो, 2 22 बटे 7 12। अब बचा क्या अंदर, 10 प्लस कितना 12, ठीक। अब क्या करो, 22 अभी गुणा एक साथ करेंगे 12, ये कितना हो गया तुम्हारा 22, ठीक। इतना समझ में आया, अब क्या करना, 22 और ये 22 ऐसे लिखो, 2 गुणे 22 गुणे 22 गुणे 12 बटे 7। अब 22 का स्क्वायर क्या होता है, 22 का स्क्वायर कैसे करो, 22 गुणे 22 कितना हो गया, ये याद होना चाहिए, ठीक। नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, गुणा कर लो, ठीक। इतना ही आएगा तुम्हारा 484, ठीक। अब क्या करना है, सिंपल है, 2 गुणे 484 गुणे 12 गुणे 12, ठीक, बटे 7, ठीक। अब इधर सॉल्व कर लेते हैं, अब क्या होगा, 12 दूनी 24 कितना करना, 12 दूनी 24, अगर 12 दूनी 24 नहीं करना है तो गुणा कर लो पहले, देखो दो ऐसे ही रखो, गुणा थोड़ी आसान करते, 12 चौक 48, 48 के 8 हासिल लगे 4, 12 8 96, 96 4 कितने हुए 100, 100 का 0 हासिल लगा 10, 12 चौक 48, 48 10 कितना हुआ 58, ठीक। इतना हो गया, अब इसको 2 से गुणा कर दो, तुम 2 से गुणा करो, 8 2 8 16, 16 के 6 हासिल लगा 1, 0 से गुणा करोगे 0 आ जाएगा 1 लिख लो, 2 8 16, 16 के 6 हासिल लगा तुम्हारा 1, 2 पंचे 10, 10 एक 11, ठीक। अब बटे 7, अब इसको क्या करना होगा, भाग करना होगा, भाग करो, कितना होगा 7 से भाग करो इसको, अगर यहां नहीं कर पाते तो एक काम करो, तुम इधर भाग कर लेते हैं, भाग कर लेते पहले 11 6 1 6 इसको भाग करो 7 से, कितना होगा 7 एकम 7, कितना बचेगा घटाओ इसमें से, कितना बचेगा 4 और ये कितना गया 6,
अब कितनी बार लगेगा? सात छह सती बयालीस, छन बयालीस, अब कितना होगा तुम्हारा बयालीस। अब घटाओ इसमें से कितना बचेगा तुम्हारा चार, और फिर कितना उतारोगे एक उतारोगे, फिर कितनी बार लगाओगे सात पचे पैंतीस, कितना आ गया तुम्हारा पैंतीस, घटाओगे कितना बचेगा तुम्हारा छ, और फिर कितना उतारोगे छ, अब कितना लगाओगे तुम्हारा लगेगा सात दाम सत्तर, सात नवा तिरसठ, नौ बार लगा दोगे तुम तिरसठ, ये कितना कटेगा तुम्हारा तीन बचेगा। ठीक, अब क्या करोगे दशमलव लगाओगे यहाँ पे और ये जीरो बढ़ाओगे। ठीक, उसके बाद में सात चौक अट्ठाईस आएगा तुम्हारा, ये दो बचेगा, उसके बाद में फिर क्या करोगे जीरो बढ़ाओगे, फिर कितनी बार लगेगा दूनी लगेगा, सात दूनी चौदह लगेगा, फिर क्या करोगे सात दूनी चौदह कितना बचेगा यहाँ पे छ, छ बचा। ठीक, फिर तुम जीरो बढ़ाओगे, उसके बाद में क्या हो जाएगा सतवट छप्पन, आठ बार लगेगा ना, सात अठी छप्पन, छप्पन कितना बचेगा चार, अब इतने रखो। ठीक, इतना रखो, अब ये तुम्हारा क्या आ गया भाग करने पर, ये कितना लिखोगे यहाँ पे चार दो आठ, अब क्या ये तो आंसर नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे क्या है ये पांच से ऊपर की संख्या है, तो क्या करोगे एक यहाँ जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा तुम्हारा नौ दो चार, ये तुम्हारा आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। कंप्लीट है, समझ में आया, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो।